नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, नेवर बी ए प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वॉज जस्ट अ लेसन नॉट ए लाइफ सेंटेंस। यानी आपने अतीत यानी पास्ट का प्रिजनर मत बनिए, वो लाइफ सेंटेंस के लिए नहीं है। वो क्या है, वो लेसन्स लर्न करने के लिए है और आगे बढ़ने के लिए है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर केसेस में हम अतीत में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मेरा ये हो गया इसीलिए मैं परेशान हूँ, मेरा वो हो गया, मैं ये परेशान था, ये था, वो था, आई बिलोंग टू ए मीडियोकर फैमिली, तो मैं कैसे अच्छा करूं, मैं वर्नाकलर स्कूल से पढ़ाई किया है, मैं कैसे कॉन्वेंट एडुकेटेड स्टूडेंट्स के साथ या लोगों के साथ कम्पीट करूं। ऑल दीज थिंग्स आर द पास्ट। एंड ऑल्सो पीपल लव टू लिव इन द पास्ट, यानी उनको अच्छा लगता है कि मैं पास्ट में ही रहूं। बट पास्ट वहाँ पे लाइफ सेंटेंस के लिए नहीं है, यानी उम्र भर हम पास्ट में ही नहीं बिता सकते। जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, वी कैन नॉट चेंज, बट वी कैन लर्न द लेसन्स। हम वहाँ पे लेसन्स लर्न कर सकते हैं, हमने क्या क्या गलतियाँ किया था, हमें क्या क्या करना चाहिए था, एंड हमारा वीकनेसेस क्या है, उस वीकनेसेस को कैसे अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, बेहतर करेंगे खुद को और प्रेजेंट डे को बेहतर करेंगे। क्योंकि ऑल्दो हम लोग बोलते हैं एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है, लेकिन इन ट्रू सेंस ओनली प्रेजेंट इज देयर, नाइदर पास्ट नॉर द फ्यूचर। कहने का मतलब, जो पास्ट था वो कभी हमारा प्रेजेंट था। वो प्रेजेंट जब बीत जाता है तो पास्ट बनता है। यानी आप अगर आज के दिन, द टुडे, आज के दिन अगर खुद को प्रोग्रेसिव वे में आगे लेके जाओगे तो क्या होगा, आफ्टर सम डेज आज का दिन पास्ट हो जाएगा। आज का दिन अगर बेहतर तरीके से आप खुद को लेके जाते हो प्रोग्रेसिव वे में, तो जब आज का दिन पास्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पास्ट अच्छा हो जाएगा। एंड व्हाट इज फ्यूचर, आने वाला दिन। आने वाला दिन तभी अच्छे होंगे अगर आज अच्छा होगा। जस्ट लाइक आज अगर हम स्वस्थ होंगे तभी जाके फ्यूचर भी हमारा स्वस्थ होगा। लेकिन आज अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमारा रेस्ट अच्छा नहीं है, हमारा सोचने का तरीका बेहतर नहीं है, तो क्या होगा, हम दिन ब दिन एक रोगी बनते रहेंगे। यानी बीमारी हमारे अंदर में आता रहेगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है दिन ब दिन कम होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। और फ्यूचर कैसे होगा, जो आने वाला फ्यूचर है वैसे ही होगा। तो जो प्रेजेंट है डेट इज गोइंग टू बी पास्ट आफ्टर सम डेज, एंड जो फ्यूचर है वो कुछ टाइम के बाद प्रेजेंट बनता जाएगा। सो डोंट बी द प्रिजनर ऑफ द पास्ट, लर्न द लेसन्स, यानी उसमें से लेसन्स सीखो, खुद को जो जो कमियां हैं उसको बेहतर करने का कोशिश करो, आज के दिन को बेहतर करो। फ्यूचर क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, तो उसके बारे में सोच के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, आज के दिन अगर हम बेहतर करेंगे तो आने वाले दिन में भी जो फ्यूचर है वो भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो जो फ्यूचर है वो आज में कन्वर्ट हो जाएगा। आज है आपका 25 फरवरी 2022,
सपोज 25 फरवरी 2023, आज के लिए ये फ्यूचर है, उस एक साल के बाद क्या होने वाला है ये सोच के क्यों टाइम खराब करना है, रेदर आज अगर मैं खुद के बारे में सोचूं कि मेरा हेल्थ अच्छा करना है, मेरा माइंडसेट अच्छा करना है, मेरा करियर अच्छा करना है, मेरा रिलेशनशिप बेहतर करना है, मेरा सोशल प्रेजेंस अच्छा करना है, मेरा ये स्पिरिचुअल लाइफ, जो सुप्रीम बीइंग है जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं, वो अगर उनके साथ अगर एक बेहतर रिलेशंस डेवलप करेंगे तो एंड डे बाय डे खुद को प्रोग्रेसिव करेंगे, ग्रो करेंगे, छोटा छोटा ग्रोथ छोटा छोटा ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो क्या होगा एक साल के बाद ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आज सपोज मेरा वेट है 80 किलो, मैं अगर रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट्स करता हूँ, न्यूट्रिशंस पे ध्यान देता हूँ, हेल्थ पे ध्यान देता हूँ, एक्सरसाइजेस करता हूँ, योगा मेडिटेशन ऑल दिस थिंग्स करता हूँ, तो डेफिनेटली एंड अपना जो न्यूट्रिशनल इनपुट है एविसा विदा कैलोरी आउटपुट, उसके ऊपर मैं प्रॉपर मैनेज करता हूँ, कंट्रोल रखता हूँ, ताकि एक्स्ट्रा फैट मेरे बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, तो एक साल के बाद डू यू थिंक माई वेट विल बी 80 kg? नॉट डेफिनेटली, माई वेट विल बी मच लेसर देन दैट। यानी आज के दिन में रहने का कोशिश कीजिए, पास्ट में खुद को इम्प्रिजनमेंट मत करिए, जो पास्ट में हो गया हो गया, उसमें से लेसन्स लीजिए, लर्निंग्स लीजिए, और हमें वहाँ से कैसे खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, बेटर जो जैसे आप सीखते हो चाहते हो, मींस ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ किस टाइप से, वट एवर मे बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, ए वेल्दी पर्सन, ए हेल्दी पर्सन, ए वाइज पर्सन, कुछ भी हो, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आज में इन्वेस्ट कीजिए। आज का इन्वेस्टमेंट ही एक साल के बाद उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देंगे, प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेसिव रिटर्न देंगे, रिग्रेसिव इन्वेस्टमेंट रिग्रेसिव रिटर्न देंगे। तो फोकस ऑन टुडे, नेवर बी द प्रिजनर ऑफ द पास्ट, द पास्ट इज जस्ट ए लर्निंग लेसन्स, नॉट ए लाइफ टू नॉट ए लाइफ सेंटेंस। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।